शर्जिल इमाम के ही नक्शे कदम पर एक और भड़काऊ भाईजान काम पर जुटा है। भड़काऊ भाषण देने में ये अपने गुरु शर्जिल से भी चार कदम आगे हैं। कौन है यह शख्स? आखिर इसने कैसे महाराष्ट्र के कई जिलों में मुसलमानों को भड़काने का काम किया? इस रिपोर्ट में आप देखिए। यह लड़ाई इस बुनियाद पे तो लड़ी जा रही है कि आप मुसलमान हैं, आप कलमा पढ़ने वाले हैं, आप अल्लाह की कसम, आज आप ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे को छोड़ दीजिए, कल ही आप घर वापसी करवा के आपसे खुश हो जाएंगे। जब से नागरिकता संशोधन बिल संसद में पास हुआ है, जब से इस पर कानून की मोहर लगी है, तब से हिंदू मुसलमान करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। ये लड़ाई इस बुनियाद पे तो लड़ी जा रही है कि आप मुसलमान हैं, आप कलमा पढ़ने वाले हैं, आप अल्लाह की कसम, आज आप ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे को छोड़ दीजिए, कल ही आप घर वापसी करवा के आपसे खुश हो जाएंगे। इनसे मिलिए दिलनवाज हुसैन, खुद को देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम का समर्थक बताने वाला ये शख्स जहरीली जुबान के मामले में शर्जिल का ही टू कॉपी लगता है। इसने सोशल मीडिया पर शर्जिल को रिहा करने के लिए कैंपेन चला रखा है, खुद को जामिया का एक्स स्टूडेंट बताता है। इसी दिलनवाज हुसैन ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में शर्जिल के ही नक्शे कदम पर चलते हुए हेट स्पीच दी थी। दिलनवाज ने NTCAA प्रोटेस्ट को इस्लाम को बचाने की लड़ाई बना दिया। वाराणसी में बजाबता पोस्टर लगा था, आज से कुछ दिनों पहले वाराणसी में बजाबता पोस्टर लगाया शाहीनबाग की औरतों का, और लिखा गया है कि शाहीनबाग की औरतों तुम परेशान क्यों होते ही हो, CAA से बचने का एक उपाय है घर वापसी। इनके प्लान को समझिए, इनके मंसूबे को समझिए। मुसलमानों की अक्सरियत आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिनको इस्लाम का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता है, जिनको रसूल का नाम नहीं पता है, उनके सामने यह क्या ऑप्शन नहीं रखेंगे? क्या इन्हें घर वापसी का लालची नहीं देंगे? मुसलमानों की रगों में किस तरह बगावत का इंजेक्शन दिया जा रहा है, ये वीडियो इसका जीता जागता उदाहरण है। दिलनवाज हुसैन ने नांदेड़ में कश्मीर, ट्रिपल तलाक और बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। आपकी शरीयत पर हमला हुआ, जिसके बारे में लोग उछल पड़ते थे कि शरीयत पर अगर हमला होगा तो यह हो जाएगा। ट्रिपल तलाक पर हमला हुआ, हम चुप रहे। बीजेपी ने समझा मुसलमान शरीयत पे हमले पे चुप रहा। नेक्स्ट प्लान कश्मीर पे बीजेपी ने आपके उखुवत को देखना चाहा, आपके ब्रदरहुड को नापना चाहा कि अगर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म होता है तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान उसके लिए खड़ा होता है कि नहीं होता है? अगर खड़ा हो जाएगा तो फिर ये हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट में जुल्म करना बंद कर देते हैं। पर दिखा कि नहीं, मुसलमान तो सोया हुआ है। फिर इन्होंने सबसे ऊपर चीज, सबसे मेन चीज पर हमला किया, जिसको आन बान शान समझा जाता था मुसलमानों का हिंदुस्तान, बाबरी मस्जिद पर। हमें मसलहत का दर्ज देकर चुप करा दिया गया। महाराष्ट्र के बीड में तो दिलनवाज ने हद ही कर दी। NRC और NPR को मुसलमानों से छलावा बताया और कह दिया कि मुसलमानों के जहन में PM मोदी और अमित शाह के नाम का हवा क्रिएट किया जा रहा है। आपको पता है हिंदुस्तान में आपके कितने कम दोस्त हैं? आप तमाम मुसलमान NPR में जवाब देते कितने कम दोस्त हैं, मतलब कितने ज्यादा दुश्मन हैं? आप डॉक्यूमेंट दिखा के लेंगे और डॉक्यूमेंट उनके ऊपर है कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट उनके नाम ऊपर है। अगर आपके टेली में जरा बराबर भी मिस्टेक होगा तो फिर आप निकल जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला है। इस बात को समझ ले, जो लोग देखे गए हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको समझे, वो पैसे वाले लोग हैं, वो अपना सिटीजनशिप कनाडा और जर्मनी में ले लेंगे, बस आप चाहिएगा। शर्जिल की नाम की माला जपने वाले इस शख्स ने बड़े अदब से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुसलमानों के सामने ये माना कि शर्जिल इमाम ही आने वाले वक्त में मुसलमानों का असली नेता बनेगा, उनका सबसे बड़ा रहनुमा बनेगा। 24 फरवरी को अमेरिकी